हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है सभी सब्जेक्ट की हमारी सीटेट 2019 के लिए, जो कि आपका दिसंबर में होने वाला है। तो जो लोग चैनल पर न्यू है उनको मैं बता दूं कि सारे ही सब्जेक्ट की पैडागॉजी सेक्शन की क्लासेस चल रही हैं। 1000 से भी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, टॉपिक वाइज और आपके चैप्टर वाइज जो आपके सिलेबस में दिया है, चैप्टर 1, 2 एंड ऑल। तो इस तरह से तो आप चेक कर सकते हैं। सबकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यस, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्चुअली पैडागॉजी सेक्शन के क्वेश्चन नहीं, बल्कि एक छोटा सा पद्यांश है, या आप इसे श्लोक कह सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जाम में। और इसको यहाँ पे दिखाने का अर्थ ये है, मतलब एम जो है उसका ये है, उद्देश्य कि आप समझ सकें कि सीटेट में इस टाइप के, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर खुद को कर सकें। और कैसे सॉल्व करना है पहले भी बताया है, बट जो लोग चैनल पे न्यू होंगे नहीं पता होगा तो बता दूं कि जब कभी भी ऐसा है, क्योंकि आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, आपके हाथ पे पेंसिल होती है, आपके सामने पेपर होता है, तो आप उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, है ना। तो आपको हमेशा जब इस टाइप का सॉल्व करना है, जैसे आपके सामने एक दिख रहा है छोटे से कुछ श्लोक्स हैं, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फटाफट से एक नज़र पहले क्वेश्चंस पे डाल लेनी है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अक्षरशः जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे जो श्लोक है वो आसान है, बट जरूरी नहीं कि जो एग्ज़ाम में आए वो ईजी ही आए, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ ही है। तो ज़रूरी तो नहीं कि अक्षरशः आप उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे, और करने की ज़रूरत भी नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपका मेन उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन के आंसर देना, सही आंसर देना। तो आप पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले फटाफट से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और मार्क करते चलेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। हमें जब भी हम ये अपना जो भी, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, पढ़ते समय इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते ही अंडरलाइन करते चलेंगे, जहाँ पर भी हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से आंसर मिल सकता है। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोषा भवंति के, तो एक चीज़ ध्यान लीजिए, दोषा वर्ड जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर है मूर्खेभ्य रत्नम अस्ति, मूर्खों का रत्न, तो जहाँ पे भी मूर्ख और रत्न से रिलेटेड कुछ भी आएगा वहाँ पे आपको मार्क करना होगा। आप चाहिए तो ऑप्शंस भी फटाफट से एक नज़र डालते चलिए, उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस नज़र डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली चली जाएगी नज़र, है ना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त। व्यवहारिक यदा कदा अपि न भवेत, ओके, व्यवहार से रिलेटेड जहाँ लाइन आएगी वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इनमें से कुछ आ जाएगा वहाँ पे, देख लेंगे वहाँ पे। मधुरम जलम अपि अपेयम भवति यदा ब्लैंक प्राप्नोति, अच्छा ये मधुर जल वाला लाइन जहाँ पे भी आता है वहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोके विधीयते इति, तो ये आपका ग्रामर से है, व्याकरण से है, तो इसका कोई भी लेना देना आपके पद्यांश से नहीं है, व्याकरण से है, जिनको व्याकरण बनती होगी वही कर पाएंगे। और हर गद्यांश पद्यांश में कुछ क्वेश्चन आपके व्याकरण के भी रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा व्याकरण एक बार रिवाइज करके जाना है। तो अब आ जाते हैं, हमने क्वेश्चन देख लिए हैं कि क्या पूछे गए हैं, और आ जाते हैं हमारे फटाफट से जो श्लोक्स दिए हैं वहाँ पे। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन में दोषा था, मतलब कि हमारी इस लाइन से कहीं ना कहीं आंसर हमें मिल रहा है। तो निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, देखिए फटाफट आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, निर्गुणा इसका सही आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए निर्गुणा, सीधे सीधे दिया हुआ है, मिल गया एक आंसर, मतलब कोई ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधे सीधे हमें हमारा सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंति नद्यः समुद्र मासाध्य भवेंति पेयाः, ठीक है ये आपका आ जाता है, ये भी समुद्र से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे। पहले पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्य सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, अब ये रत्न वाला था, मूर्ख और रत्न, मूर्खेभ्य रत्न से एक था ना आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था, तो मूढ़े मतलब मूर्ख ही होता है और रत्न की भी बात है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है पाषाण खंड आंसर होना चाहिए। चलिए देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, मूर्खेभ्य रत्नमस्ति सुभाषित जलम, ओके पाषाण है, तो यही आपका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं पूरा आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में कोई हिंदी एक्सप्लेन नहीं करेगा, अभी मैं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा रिचता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, इससे भी क्वेश्चन था, कुछ व्यवहार करके क्वेश्चन था, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत, ऐसा क्वेश्चन था, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन में अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो रिजुता था,
औदार्यम था, मृदुता था, कौटिल्यम था। तो औदार्यम यही आपके इस लाइन पे आ रहा है, व्यवहार वाली लाइन पे, यही इसका सही आंसर भी है। देख लीजिए, व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेति, जो नहीं करना चाहिए, दैट इज औदार्यम। फाइन, इसके बाद आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन पे। थोड़ा सा स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ रहा है, एग्जाम में आपको ये समस्या नहीं होती है। हम ये पूरा पढ़ चुके हैं और हमारे क्वेश्चन कितने बचे हैं, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है काफ़ी सारा क्वेश्चन। अब बचे हुआ है हमारा एक क्वेश्चन ये, मधुरम जलम अपि अपेयम भवति यदा ब्लैंक प्राप्नोति। तो मधुर जल अपेय हो जाता है कब, भवति मतलब होता है, अपेय मतलब जिसको पिया ना जा सके। बहुत आसान है, हम खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं कि समुद्रम, जब समुद्र में मिल जाएगा तो नहीं हो जाएगा पीने लायक। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं लाइंस में, क्योंकि एक बार एग्जाम में हर चीज़ को क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करेंगे। जल वाला जो आपकी लाइन थी, नद्य समुद्र मासाध्य भवंत यपेया, यपेया मतलब यहाँ पे अपेया जो है वो छुपा हुआ है, ठीक है, संधि के कारण। तो ये आपका सही आंसर समुद्र वाला ही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, थोड़ा सा जो कि ग्रामर से था हमारा। श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोग अस्ति, यानी कि श्लोक में विधीयते शब्द जहाँ पर आया हुआ है वहाँ पे कौन से क्रियापद, उस क्रियापद में को किसका यूज किया गया है, किसका अनुसरण किया गया है, भाव का, जो आपके वाच्य होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये बने क्वेश्चन। भाव है, कर्तृ है, कर्मपद है, कर्तृपद है, किसका अनुसरण किया गया है। सो ये अगर आपको बनती है संस्कृत की व्याकरण थोड़ी बहुत, तो ठीक है, आप कर लेंगे, वरना इन दैट केस एक आध क्वेश्चन हो गया तुक्का लगा दीजिएगा। और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं सीखना, तो संस्कृत नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, संस्कृत फिर यूपी वगैरह टेट वगैरह करके लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत की कई प्लेलिस्ट हैं। वहाँ आपको संस्कृत व्याकरण के बहुत ही आसान शब्दों में, जिनकी संस्कृत बिल्कुल नहीं आती उनके लिए वीडियोस बना के रखे हैं, सारे टॉपिक वाइज, सभी टॉपिक के, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अदरवाइज फिर एक आध क्वेश्चन चला जाएगा, कोई बात नहीं है, पैडागॉजी सेक्शन मजबूत रखिएगा। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। अब चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन, मतलब जो हमारा श्लोक था उसका अर्थ यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे वो जो आपकी फर्स्ट लाइन है, गुणा गुणगेश गुणा भवंती ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, इसमें ये बोल रहा है कि जो गुण होता है, यानी कि कोई क्वालिटी होती है, वो गुणवान व्यक्ति को प्राप्त करके गुण बन जाता है, लेकिन जब वही किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वही गुण दोष कहलाता है, दोष बन जाता है। फिर एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे मधुर जल जो होता है, मीठा पानी होता है, नदियों में होता है, ठीक है, नदियाँ प्रदान करती है मीठा सुंदर प्यारा जल, लेकिन वही जल जब जाके समुद्र में मिलता है तो वो अपेय हो जाता है, फिर उसको पीना संभव नहीं होता है। दूसरा श्लोक जो होता है वो बता रहा है कि पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित वचन, यानी कि मधुर वाक्य, सुभाषित अच्छे वाक्य। मूल है पाषाण खंडेशु, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पाषाण यानी पत्थर, खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋचुता मृदुत चापि कौटिल्यम न कदाचन, ठीक है। तो अभी अब जो आपकी ये वाली लाइन बता रही है वो क्या बोल रही है कि हमें हमेशा ही अपने व्यवहार में उदारता और सत्यता, उदारता और सत्यता जो है वो उसका अनुशीलन करना चाहिए। कभी भी हमें अपने व्यवहार में कुटिलता या फिर नहीं दिखानी चाहिए, कुटिलता नहीं दिखानी चाहिए कभी भी। तो ये जो आपका श्लोक था तीन, उसका अर्थ था जो मैंने समझा दिया है, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था, दोषा कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, बहुत कम टाइम लेने की कोशिश की है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और एक चीज़ और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एक्चुअली नोटिफिकेशन का बहुत इशू जा रहा है, नोटिफिकेशन जा नहीं रहे हैं, क्लासेस कई सारी चल रही हैं रैंडम टाइम पे, इस वक्त वीडियोस जो है अपलोड हो रहे हैं, मतलब कोशिश रहती है कि जल्द से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाए इस तरह से। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे मैं शेयर कर दूँ और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ऐसा ना हो कि पढ़ा भी, मेहनत भी की और कोई मतलब नहीं, क्लास मिस हो गई। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई भी लिंक शेयर की तो आप उसको देखें ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप पे डिपेंड है, आपका आपका सब्जेक्ट है, अगर वो आपको रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर वीडियो की, तो आप देखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है ना, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।